ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला परिषद सदस्य बोरज पवन चंदेल ने जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए लंबित पड़े कामों को करवाने के लिए चर्चा की। एच टू डे से विशेष बातचीत के दौरान पवन चंदेल ने बताया कि जिला परिषद की बैठक में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बात की गई है। चंदेल ने बताया कि पंचायतों में सीमेंट की सप्लाई नहीं पहुँचने से दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि सीमेंट की कमी की वजह से काम रुका हुआ है, जिसके बारे में जिला परिषद की बैठक में प्रमुखता से बात को रखा गया है। जिला परिषद सदस्य बोरज पवन चंदेल ने जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए लंबित पड़े हुए कामों को करवाने के लिए चर्चा की। एच टुडे से विशेष बातचीत के दौरान पवन चंदेल ने बताया कि जिला परिषद की बैठक में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बात की गई है। चंदेल ने बताया कि पंचायतों में सीमेंट की सप्लाई नहीं पहुँचने से दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि सीमेंट की कमी की वजह से काम रुका हुआ है, जिसके बारे में भी जिला परिषद की बैठक में प्रमुखता से बात को रखा गया है। पवन चंदेल ने बताया कि बोरज बाड़ में विकास कार्य के लिए पिछले 4 सालों में अथाय प्रयास हुए हैं और इससे जनता भी लाभान्वित हुई है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के सहयोग से बोरज बाड़ में लाखों रुपए के काम करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोरज बाड़ के लिए जिला परिषद की बैठक में आगामी दिनों के लिए लंबित पड़े कामों को पूरा करवाने के लिए चर्चा की गई, जिन्हें जल्द ही पूरा करवाने के लिए जिला परिषद चेयरमैन ने कहा है। बोरज वार्ड नंबर 10 से जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व लिया, इसमें हमारे जो प्रमुखता से मांग थी वो आईपीएस डिपार्टमेंट बोरज को लेके थी। दिमनी पंचायत में टियार गांव है, पिछले 4 महीनों से वहां पर है, तो वर्षों से दिक्कत है, लेकिन 4 महीने पहले जिला परिषद बैठक में मैंने ये विषय रखा था यहाँ पर कि वहाँ पर घर ज़्यादा हो गए हैं, और पर्सनली मैंने एक्शन बोरज से बात की थी कि आप जो है वहाँ पर बड़ी लाइन डाल दें ताकि लोगों को सुविधा मिल जाए, लेकिन वहाँ पर अधिकारी महोदय ने लाग लपेटी की। आज बैठक में भी उसको लेकर चर्चा हुई है और उन्होंने माना है कि आगे वो विषय में मैं जो है वहाँ पर बीच करूँगा। हालांकि 4 महीने पहले ये विषय उठा था, डिपार्टमेंट के ध्यान में भी था, लेकिन वो वहाँ पर 4 महीने में बीच नहीं कर पाए हैं और ये कारण पूछा गया था, तो उन्होंने अपने हिसाब से जवाब वहाँ पर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी वहाँ बीच किया जाएगा और वहाँ पर बड़ी पाइपलाइन डाल दी जाएगी। दूसरी बात, ग्राम पंचायतों में प्रधान साहिबान हैं, सचिव महोदय हैं, उनके ऊपर विभाग जो है वो प्रेशर डालता है कि विकास कार्य जो जल्दी से जल्दी किए जाएं। वो अच्छी बात है, विकास कार्य होने चाहिए, वो बात हम भी रखते हैं कि जल्दी होने चाहिए, जहां के लिए पैसा स्वीकृत है जल्दी होना चाहिए, लेकिन विडंबना है कि वहां पर पंचायतों में सीमेंट ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर सीमेंट नहीं है तो बिना सीमेंट के कार्य कैसे होंगे। अब जो वहां पर विकास कार्य होने हैं वो बाधित पड़े हैं। आज ही मैंने जिला परिषद बैठक में मैंने बात रखी है कि सीमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी जो है मुहैया करवाया जाए ताकि जनता को वहाँ पर सुविधा मिल सके। और जहाँ तक मेरे जिला परिषद बाढ़ की बात है, गासिया मंदिर के सेट निर्माण के लिए दिया था, वो आजकल उसका वहाँ पर कार्य चला हुआ है। इसी तरीके से बस्सी चौक में जो है वो रेन सेल्टर बनाया गया जिला परिषद हेड से 1,80,000 रुपये से। इसी तरीके से डेरा पोल स्कूल में 1,00,000 रुपये के डेस्क बच्चों के बैठने के लिए जिला परिषद निधि से हमने दिए हैं। उसके उपरांत भोरन स्कूल में भी जो है वो 1,00,000 रुपये के डेस्क, नहर स्कूल में भी 1,50,000 रुपये के डेस्क ये बच्चों को बैठने के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं अगर अघार पंचायत की बात की जाए तो अघार पंचायत में मैंने 3,00,000 रुपये सड़क निर्माण के लिए दिया था और अभी वो पीछे पंचायत ने वो कार्य वहाँ पर कर दिया है। इसी तरीके से जो है और अपना माड़िया में सड़क बनाने निर्माण के लिए 1,00,000 रुपये दिया था, वो भी कार्य वहाँ पर हो गया है। इसी तरीके से टिकरबुल्ला पंचायत में मैंने शमशान घाट के साइड के लिए 4,00,000 रुपये और 3,00,000 रुपये सड़क निर्माण के लिए दिया है, वो भी कार्य वहाँ पर चला हुआ है। ये आज मेरी वीडियो साहिबान से टाउनदेव से बात हुई है, उन्होंने बोला कि वहाँ पर वो कार्य लगा दिया गया है। इसी तरीके से बोरज पंचायत के अंतर्गत सम्मूताल में शमशान घाट है, उसके साइड के लिए भी 4,00,000 रुपये दिया हुआ है और 3,00,000 रुपये जो है वो वहाँ पर माड़िया में सड़क निर्माण के लिए दिया गया है। इसी तरीके से लाखों रुपए के विकास कार्यों की जो चर्चा है वो मैं जिला परिषद बैठक में अपने 4 वर्षों के अंतर्गत करता रहा हूँ, चाहे कंजियाण से लेके टौनी देवी तक ब्लैक स्पॉट को खोलने की बात हो, टौनी देवी से कैरबी चौक तक, वो भी आपके समक्ष मैं 3 वर्ष से डिपार्टमेंट के समक्ष से डिमांड उठाता रहा, वहाँ से आज जो है ब्लैक स्पॉट खुल चुके हैं। डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बाकी मैंने धन्यवाद जिला परिषद बैठक में भी उनका किया है। ब्लैक स्पॉट वही बचे हैं जहाँ पर लोगों ने जो है वो जमीन नहीं दी है। उसके उपरांत भी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जिसके लिए हम 2400 घंटे तत्पर रहते हैं। तो मैं आपके एच टुडे चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो है वो क्षेत्र की जनता को जो है वो तुरंत सूचनाएं मिलती हैं और क्षेत्र में इस चैनल के बारे में जो बहुत बढ़िया चर्चा रहती है,
तो मेरा आपको जो है इस नव वर्ष में एच टूडे परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बक्षेत्र की जनता को भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।